जी अब आ जाए वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आगे हम चलते हैं। लोकल होस्ट और हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड था, हम इस पे बात कर रहे थे, और ये हमारी वेबसाइट का बैक एंड था। जब हमें फ्रंट एंड में कोई भी चीज दिखानी है, कुछ भी बनाना है, तो हम बैक एंड से उसको डिजाइन करना स्टार्ट करें। अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी डिजाइनिंग नहीं, ये एक, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड थीम। यहाँ पर अपेयरेंस के अंदर हमें ऑप्शन मिलती है कि आप अपनी वेबसाइट का कोई भी डिजाइन जो है वो आप बना सकते हो, और यहाँ से आप न्यू भी ऐड कर सकते हो। मैं चाहता था, मुझे अब ये कुछ मॉडल आ रहे हैं, मैं यही कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे ये वाला डिजाइन नहीं चाहिए, मैं इसको चेंज कर लूँ, तो मुझे अपनी वेबसाइट का थीम जो सा है उसको चेंज करना पड़ेगा। वो कुछ ऐसा नजर आएगा कि जब मैं अपनी वेबसाइट को बना लूंगा, उसका कलर ऐसा होगा, उसका फॉन्ट ऐसा होगा, उसके सेक्शन ऐसे बने होंगे, और इनको चेंज हम कैसे करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन तो शेयरिंग है, चेक करें आप, यहाँ से तो शेयरिंग है। अभी हो रही शेयर स्क्रीन, हमारी वेबसाइट कैसी नजर आएगी। यहाँ ये थीम हमें ये बता रहा है कि अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हो, उसमें डाटा इंसर्ट करने के बाद आपको हमारी ये जो वेबसाइट है ये ऐसी दिखेगी, इसमें ऐसा कलर होगा। इसका कलर चेंज करना, इसका टेक्स्ट चेंज करना, इसके अंदर फीचर्स को इंटीग्रेट करना, नई नई चीज़ों को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन। यही हमारा मेन था कि वर्डप्रेस की फुल कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस में कौन सा काम कैसे होगा, कहाँ कौन सा कलर चेंज होगा, कहाँ पे हमने थीम में कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसको बोल रहे हैं कस्टमाइजेशन। ये है फुल कस्टमाइजेशन, कि हम वर्डप्रेस जो एक प्लेटफॉर्म है उसके अंदर रहते हुए अगर हम अपनी मर्जी से कुछ डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं। हमारी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट ये रखो, कोई भी वेब पेज होता है ना, बेसिक रूल वही रहते हैं। हम अपने वर्ड का कोई भी पेज ओपन करते हैं, यहाँ से एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड मेरे पीसी में नहीं है तो ये है। कोई भी फाइल हमने ओपन करते हैं, तो जो ये ऊपर का सेक्शन नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हेडर, और जो ये नीचे का नजर आ रहा होता है ये होता है फुटर। यहाँ पर भी ऑप्शन होती है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा हेडर कौन सा है। ये लाइन लग गई यहाँ पर, और इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं हमारा फुटर कौन सा है, तो इतना हिस्सा जो नीचे का पोर्शन है किसी भी पेज का, वो हमारा फुटर होगा। यही कॉन्सेप्ट चलता है वेबसाइट के अंदर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी हो रही स्क्रीन शेयर। हमारी वेबसाइट का जो अपर पोर्शन है इतने वाला, ये हमारा हेडर, और इसी पेज का ये जो नीचे का बॉटम का मेन्यू, ये हमारी हो गई फुटर, और ये जो दरमियान का पेज है इसका, ये हमारा कहलाता है टेक्स्ट पेज, इसको बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक वेबसाइट है, उसका नाम है W3 स्कूल।
या फिर इसको बोलते हैं सिमेंटिक ऑफ वेब पेजेस, कि आप अपने जो वेबसाइट स्क्रीन पर कोई पेज नजर आता है, हम कोई भी डिस्प्ले करते हैं, आप उसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लें, कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, तो हर एक टुकड़े का कोई नाम रख दिया, किसी का हेडर रख दिया जिस तरह ऊपर, किसी का फुटर रख दिया, तो दरमियान वाला पेज जो है उसमें हम असाइड बार उसको बना दिया। यहां से दिखाता हूँ कैसे, ये देख, ये जो ऊपर पोर्शन है, अगर मैं इसको हेडर का नाम दे दूं, तो यहाँ पर मैं जितने चेंजेस करूँ मुझे हेडर के अंदर करने हैं, और ये जो नीचे का है ये वेब पेज ऑप्शन हो गई, और अगर मुझे इतने हिस्से में नीचे में कुछ लिखना है, तो मैं बताऊं अगर मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो वो मुझे कहे भाई मेरे फुटर में ये चेंज कर दो, तो बजाय इसके कि मैं सारी वेबसाइट खोल के बैठ जाऊँ, मैं यहाँ से ढूंढता रहूँ उसने कहा क्या है, मैं सीधा जाऊँ इस सेक्शन में और वहां पर जाके मैं चेंजेस कर दूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझे बाकी पेजेस छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जो ये स्क्रीन पर पेजेस नजर आ रहे होते हैं उसका राइट लेफ्ट, उसका ये देखें, अब ये जो पोर्शन है इसका लेफ्ट कुछ हो रहा है राइट कुछ हो रहा है, तो इसको भी कोई नाम दिया गया होता है, असाइड बार कह सकते हैं उसको, स्लाइडर बोल सकते हैं, और ये जो मेन पे आ रहा है इसको कैरोल बोल सकते हैं, ये होम पेज, और कोई पेज होगा उसके सेटिंग किसी और तरह होगी। हम ये पेजेस कैसे बनाएंगे, हम ये मेन्यू कैसे डिजाइन करेंगे, हम ये चीजें कैसे ऐड करेंगे, कैसे इंटीग्रेटेड करेंगे, इसका सेशन रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हमारा काम था, हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उसकी डेटाबेस को इंस्टॉल किया, हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, और एक थीम को हमने एक्टिव किया। उसके बाद कोई भी थीम जब एक्टिव किया, हमने अपने प्रोजेक्ट का डिस्प्ले देखा वो कैसा आ रहा है, और हम इसके अंदर फिर मजीद काम करेंगे। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो वर्डप्रेस होती है इसके फीचर्स क्या होते हैं। हम ये जो सी पैनल है, ये जब हम होस्टिंग प्लान लेते हैं किसी भी होस्टर सर्विस से, तो वो हमें एक ईमेल भेजता है, उसके अंदर एक यूजर आईडी होती है, वो सी पैनल होता है। सी पैनल हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जो वेबसाइट का डाटा फोल्डर है उसको मैनेज करें, और ये जो सीएमएस है ये कैसे वर्क करता है। ये क्या सवाल पूछा, अभी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, ये कैसे बंद हो जाती है, मेरी तरफ से तो ओके आ रही है, आप बताएं आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। अभी हो रही है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया, अच्छा जब मैं मिनिमाइज करता हूँ तो मैं कोई और फाइल को मिनिमाइज कर देता हूँ, मेन जो शेयर हो रही होती है वो फिर नीचे चली जाती है शायद, ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये हमें सर्विसेज दे रहा है, हम थीम चेंज करें, हम किसी सर्विस को इंटीग्रेट करें, इसको हम बोलते हैं सीएमएस, और इसको हम, इसका कंप्लीट नाम होता है सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ मैंने ये क्विज में भी ये बात डाली हुई थी सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम
मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि जो भी मेरी वेबसाइट का डाटा है वो कोई ना कोई कंटेंट है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें इमेजेस है, उसको कैसे कंट्रोल करूँगा? अपने डैशबोर्ड से कंट्रोल करूँगा, ये जो बैक एंड पे मुझे मिला, ठीक है, इसके अंदर मैं अपने यूजर्स बना सकता हूँ कि वेबसाइट का एडमिन अथॉरिटी कोई और होगी, एक एडमिन हो गया, एक कोई गेस्ट यूजर हो गया। अगर मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो लाजमी बात है कोई एक अकाउंटेंट होगा, मैं उसको कहूँगा तुम अकाउंट्स का काम बीच में देखो, मैं उसकी अथॉरिटी अकाउंट से रेलिवेंट रखूंगा, किसी को मैं अथॉरिटी दूँ, मतलब अगर खुद नहीं बैठ सकते हैं तो ये फीचर इसलिए होता है कि अगर कोई और एक से ज्यादा यूजर एक वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हैं या उसके डैशबोर्ड या बैकएंड से डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी डिलीट कर दे, कोई भी आए कुछ भी इंसर्ट कर दे, तो दुनिया देख रही है जी वेबसाइट पे हो क्या रहा है। तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि एक यूजर्स डिफरेंट यूजर बना लिए जाते हैं, कोई सिर्फ एडिट कर सकता है, कोई सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, कोई सिर्फ सब्सक्राइब कर सकता है न्यू नोटिफिकेशन के लिए, तो वो अथॉरिटीज हम अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है यूजर्स के। हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है, हम लाइब्रेरी बना दी। हम अपनी वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन आ गई। उसका मेन्यू हम डिसाइड करना चाहते हैं, हमने देखा ये जो नजर आ रहा है ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेन्यू, मेन्यू बार, इसमें मुझे क्या चीज दिखानी है। यहाँ पर अभी 6 पेजेस आ रहे हैं, मुझे 10 बनाने हैं, तो वो कैसे बनाऊंगा? वो फीचर्स हमें सर्विसेज मिलती है मेन्यू बार में। अभी कहाँ गई है, ये डैशबोर्ड मेन्यू के अंदर से, ये सारी चीजें मैं एक एक आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, हम जैसे ही इससे आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर ऐसा भी होता है कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्विसेज को इंस्टॉल करना है, जैसे व्हाट्सएप चैट है, कोई फॉर्म को इंस्टॉल करना है, किसी के साथ सोशल चैट करनी है। हमने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्विसेज होती हैं चैट की लगी हुई हैं, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सर्विसेज हैं। यहाँ पर ये सोशल अकाउंट्स लगा दिए गए और ये चैट ऑप्शन इस वेबसाइट पर आ रही है, ये यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट। ये कैसे हुआ? इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ एक सर्विसेज हमें मिलती है प्लगइन। हमें अपनी वेबसाइट पर कोई भी फीचर दिखाना है, या तो हम उसको खुद से डिजाइन कर लें कोडिंग के थ्रू और फिर उसको अपने वेब पेज के ऊपर इंटीग्रेट करें, या फिर हम एक बना बनाया में डूल उठाएं, नेट से डाउनलोड करें और उसको अपने वेब पेज के साथ इंटीग्रेट कर दें। तो प्लगइन है एक छोटे छोटे स्मॉल सर्विस सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे फीचर सॉफ्टवेयर जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते चले जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मुझे कोई फॉर्म बनाना है तो मैं फॉर्म का प्लगइन कर लूँ, अगर मुझे कहीं चैट दिखानी है तो मैं चैट का कोई प्लगइन कर लूँ, अगर मुझे कोई कॉल का ऑप्शन दिखाना है तो मैं उसका प्लगइन कर लूँ, मुझे अपनी गैलरी बनानी है बजाय इसके मैं खुद बनाऊँ, मुझे एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ब्लॉक का साइज कितना रखना पड़ेगा, इमेज मुझे वाइड में दिखाना है या स्क्वायर में दिखाना है या रेक्टेंगुलर में दिखाना है, तो वो सब मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर यही मैं ऐसे ही कोई मैं डूल उठा लूँ तो उसमें टेम्पलेट या बैकएंड कुछ फ्रेम बने होंगे, मैं उन्हीं को यूज करके अपना वो फीचर्स को एक्टिव कर लूंगा। तो आज का जो लेक्चर था उसको हम वाइंड अप करते हैं, समराइज करते हैं, पीछे जो पढ़ा उसको एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूँ। हमने आज पढ़ा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसके अंदर वेबसाइट को बनाना आसान है उस यूजर के लिए जिसने वेब डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं किया हुआ, और हम वर्डप्रेस ही क्यों चूज करते हैं, ये इसलिए चूज करते हैं कि मोस्टली
इजी टू यूज़ है, यूजर फ्रेंडली है। ऑलमोस्ट 60% वेबसाइट ऐसी हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर बन रही हैं। क्यों बन रही हैं कि कोई ऐसा यूजर जिसको ज्यादा कोडिंग का नॉलेज नहीं है, कोई कलर स्कीम उसको मतलब, वो डिजाइनर भी नहीं है, उसको डिजाइन भी नहीं आते बनाने, तो वो अपनी वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेगा। तो उसको हेल्प आउट करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर बने बनाए थीम है, यहाँ पर थीम है बने बनाए, हमको ये एक सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा थीम हमारी वेबसाइट का फ्रंट लुक हो जाएगा। फिर उसमें फीचर्स कैसे ऐड करने हैं, प्लगइन की मदद से हेल्प करने हैं। उसमें यूजर्स हमने देखे कि अगर हम एक से ज़्यादा अगर लोग जो हमारी वेबसाइट को डाटा को अपडेट करें, तो वो हम कहाँ से बनाएंगे, हम ये सब कुछ बना के देखेंगे। फिर हमने देखा कि वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन का वर्ड हमने सुना था, होस्टिंग का वर्ड हमने सुना था। डोमेन क्या होती है, हमारी वेबसाइट का नाम। होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पर ऐसा सर्वर जिसमें हमारी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, वो होस्टिंग होता है। फिर वेबसाइट का नाम जो उनसे है वो डिफरेंट एक्सटेंशंस में है, डॉट कॉम के अंदर है, डॉट पीके के अंदर है, यूके के अंदर है। इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब होता है उस एरिया का सर्वर। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मुझे पाकिस्तान के सर्वर से अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना ज़्यादा फास्ट है, बजाय इसके तो मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके के सर्वर में अपनी वेबसाइट को रख दूँ, और जब मैं पाकिस्तान से सर्च करूँ तो सबसे पहले मेरा सर्वर पाकिस्तान का जो मेन सर्वर होगा वहाँ तक जाएगा, मेरी वेबसाइट को सर्च करेगा, यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर वो वर्ल्ड वाइड जो दूसरे सर्वर होंगे उनमें चेक करेगा। इसलिए जिस एरिया के लोगों को आप कैप्चर करना चाहते हो, आपको उस एरिया के ही सर्विस प्रोवाइडर से अगर हम सर्विस लेते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट रहती है। इसमें हर्ज कोई नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी आउटसाइड कंट्री होस्टर से आप ये अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। हम उसको कैसे बाय करते हैं, अपना डोमेन नेम कैसे लेते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर होस्टर डॉट पी के उसको हमने यहाँ पर ओपन किया था। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट को रन करना होगा, ऑनलाइन दिखाना होगा, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हम कैसे बाय करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा जो था, हमने सर्वर नाम सेलेक्ट कर लिया लेकिन हमने होस्टिंग सर्विसेज नहीं ली, तो हमने अपने ही पीसी के अंदर एक जो सी है डोमेन जो सर्वर लोकल है उसके लिए जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। हमने अपने ही पीसी के अंदर एक सर्वर को इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम था जैम्प सर्वर। फिर हमने इसके अंदर ये किया कि अभी आगे स्क्रीन शेयर हो गया, जैम्प सर्वर को हमने इंस्टॉल कर लिया। फिर इसी लोकल होस्ट को यूज़ करते हुए हमने वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड किया, हमने अपनी डेटाबेस बनाई। डेटाबेस बनाकर हमने वर्डप्रेस का सेटअप प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया कि वो किस लैंग्वेज में है, उसकी डेटाबेस का नाम क्या है, उसका यूज़र आईडी बैकएंड का क्या होगा, उसका पासवर्ड रखा। फिर हम आए अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर और अपनी वेबसाइट का हमने फ्रंट एंड भी देखा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसके ऊपर हमने काम किया। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अब पूछ सकता है, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल है जहाँ से नहीं समझ आई, आपको मुश्किल हुई, तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं, समझ आया आपको या ज्यादा फास्ट चल गया था? मैं आपको वो लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ जो अभी पिछली रिकॉर्डिंग हुई थी, और अभी वाला भी मैं शेयर कर सकता हूँ।
कोई अपने ओपिनियन शेयर करना चाहे तो जरूर करे, कोई कुछ बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर नहीं है तो टेक्स्ट टाइप कर दें, नो क्वेश्चन नो आंसर। चले ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं आप सबको एक ग्रुप में ले लेता हूँ। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।